कैमरा थोड़ा थोड़ा पीछे कर लो, चलेगा क्या? लगेगा क्या? लगने वाला है क्या? लगने वाला है क्या? अरे पीछे वो हैं आप लोग, सुन रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ? सुन रहे हैं? देख रहे हैं आप लोग? ये अकेला है क्या? मेरी 18 साल की बेटी का खून हो गया है और ये लोग एक महीने से हमें ऐसे परेशान कर रहे हैं। तेरे हस्बैंड को लॉकअप में डाला हुआ है। क्या आप लोगों को लगता है कि एक बाप अपनी बेटी का मर्डर करेगा? इसीलिए मैंने आपको आपके हस्बैंड का फाइल पुलिस के टेबल से उठ के सीधे सीबीआई के टेबल पर पहुंच गया। सीबीआई? वही आसमान से गिरा फिल्म में अटका। आकर उठाएंगे आप? क्या कह रहे हैं आप? दिमाग के लिए अच्छा होगा। आप लोगों को बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके हस्बैंड को अरेस्ट किया है, सस्पेक्ट हमने उसने किया था। पूछताछ ना करें? सचिन महाजन इनके हस्बैंड। अरे परिमल करा, विक्टिम के आर्म्स और शोल्डर्स पे स्क्रैचेस, वो डॉक्टर सचिन महाजन के नाखून से हुए। नाइफ के हैंडल पे डॉक्टर सचिन महाजन के फिंगरप्रिंट्स हैं। मैं अपनी बेटी को क्यों मारूं? पर मेरी सचिन महाजन तुम्हें दिखते हो, वो तुम हो नहीं, जो तुम हो वो दिखता है। और भी हैं सस्पेक्ट्स, जैसे कि रवि फर्नांडिस, उनकी घर की नौकरानी परिमल। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? मैं। 18 अक्टूबर की रात को क्या कर रही थी? तो फिर आपके हिसाब से किसने किया? दिस फुल मेडिकल चेकअप करवा था। अरे विनोद तू बहुत नेक्स्ट, वो उनकी सबका फ्रेम खराब कर रहा है विनोद। पीपी प्यारी पड़ोसी वृंदा परिमल सचिन के साथ कैसा रिलेशन है आपका? I hardly know him. सचिन महाजन के कॉल रिकॉर्ड 45 बार आपने फोन किया डॉक्टर सचिन को। I know who killed her. Who? Your beautiful wife, Brinda. She's taking you for a ride, God damn it! लड़की जिसकी मर्डर हुई थी ना, उनकी जस्ट फ्रेंड्स। क्या कर रहे हैं? रियाज। क्यों बदनाम कर रहे हैं हमें सबके साथ? प्ले परिमल प्ले। उस लड़की का मर्डर हो गया है। रियाज मर्डर के समय उसके बेडरूम में था। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ये साबित करती हैं कि इस शर्ट पर जो खून के धब्बे हैं वो एक रियाज नूरानी के। तो आज के बाद फिर से ब्रेकअप की बात करी ना मुझसे, जान से मौत। इनके घर के नौकर चेतन तिवारी बात। क्या बात, प्रोमो देखा कैसा लगा? जरा रिएक्शन दे दो यार, माइंड ब्लोइंग। क्या लग रहा है, क्या होगी कहानी यार? कहानी अच्छा है, क्या होगी कहानी? कहानी तो फिल्म देखने के बाद पता चली, कहानी तो सुपर हिट थी, ये सुपर डुपर हिट होगी। कहानी सुपर हिट थी और ये कहानी सुपर डुपर हिट होगी। ओके यार, मेरे दिमाग में 5-6 कहानियां चल रही हैं इसको लेके, ये 6-7 कहानियां हो सकती हैं। दार जी,
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं एक्चुअली ऐसे केसेस को फॉलो नहीं करता हूँ लाइफ में, तो ये बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी है और ये आयशा महाजन मर्डर केस है। तो जो कहानी मैंने पढ़ी है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे से लिखा गया और जितनी भी उसके अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वो मेरे ख्याल से रियल लाइफ में हो नहीं सकती, तो मनगढ़ंत कहानी है। बट कंट्रोवर्सी भी अटैच हुई है फिल्म के साथ, तो आपका क्या रिएक्शन है? अब ऐसा है ना कि लव स्टोरीज बनती हैं, मर्डर मिस्ट्रीज बनती हैं और वो सारी चीज़ें ज़िंदगी में होती भी हैं, तो अगर किसी ने ये प्रश्न चिन्ह उठाया कि यार ये लव स्टोरी जो है ये मेरे लव स्टोरी की तरह है, तो भैया होगा पता नहीं, बट द पॉइंट इज़ दैट जो मनीष ने लिखी है कहानी वो बिल्कुल ही मनगढ़ंत है। अब मेरा ये पूछना है कि क्या मतलब एक यंग लड़की का मर्डर हुआ है, ऐसा बाकी केसेस है नहीं क्या? है तो मेरे ख्याल से ये जस्ट बिकॉज टू क्रिएट अ कॉन्ट्रोवर्सी किसी ने बोला होगा, लेकिन हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी कहानी बिल्कुल ही अलग है। मेघना गुलजार इज आल्सो मेकिंग अ सिमिलर फिल्म विद अ सिमिलर प्लॉटलाइन विद इरफान खान इन द लीड, कंपैरिजन वुड बी ड्रॉन, कंसर्न्ड अबाउट दैट बिटवीन यू एंड इरफान? नो, आई थिंक मेघना एंड इरफान व्हाटएवर फिल्म दे आर मेकिंग, माय बेस्ट विशेस टू बोथ ऑफ देम, बोथ आर वेरी गुड फ्रेंड्स, सो आई रियली होप देयर मूवी डज वेरी वेल एज वेल एंड अ वेरी गुड मूवी इज मेड। सो फॉर मी एनीबॉडी इन दिस इंडस्ट्री हु इज यर्निंग फॉर परफेक्शन, हु इज ट्राइंग टू मेक प्रॉपर सिनेमा, all my support to them, all my kudos to them. Film ke title ki baat kare to No One Killed Jessica se title kaafi milta julta hai, to usse log compare karna chahenge to unke liye kya kehna chahenge? No One Killed Jessica teen hai yahan pe, sirf ek ek rahasya naam ka hai, ek hi shabd hai, to wo usse koi taluk nahi hai. Aapne koi reference liya is role ke liye, kisi se mile jo character aap play kar rahe? नहीं, ऐसा कुछ मतलब ज़िंदगी से रेफरेंस नहीं लिया, नॉर्मली मैं लेता भी नहीं हूँ, जब तक कि मैं कोई ऐतिहासिक किरदार निभाऊँ तो अलग बात है, जिसको लोग जानते हैं, वरना मनगढ़ंत कहानी के लिए मनगढ़ंत कलाकार कैरेक्टर पेश करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको ज़िंदगी की समझ होनी चाहिए थोड़ी सी, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि जहाँ तक हो सके वो स्क्रिप्ट और डायरेक्टर के साथ रहूँ ताकि और चीज़ें निकल के आएँ। That open-ended या close-ended है वो तो आपको फिल्म देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। Guys, last question please. किस तरह की फिल्म है और थोड़ा elaborate करें। किस तरह की फिल्म है? बहुत अच्छी फिल्म है जी। एक तो और फिल्म के हर डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया और इसको अच्छे से पिरोया है मनीष ने इस कहानी को, जहाँ पे आपको हर जगह पे मोड़ मिलता रहेगा और इस वजह से एक्साइटमेंट बरकरार रहेगा। So it's nice to see you in a lead role again after quite long. Is this the kind of role that you are actually looking for in Bollywood? यार ऐसा है ना कि ये बहुत लंबी कहानी है, बट इतना है कि रोल किरदार मैं किरदार निभाता हूँ, मैं रोल्स नहीं प्ले करता हूँ, तो मैं मानना है कि रोल्स जो है वो सीमित है, आप पुलिस वाला हो सकते हैं, आप लॉयर हो सकते हैं, आप जो भी हो सकते हैं, मतलब टीचर हो सकते हैं, ये रोल्स हैं, ये आप शायद 25,000 रोल्स होंगे लाइफ में, लेकिन किरदार जो है वो अनगिनत है, तो मैं इंसानों को पेश करने की कोशिश करता हूँ, तो अगर मैंने पारस्कर को पेश किया यहाँ पे, मैं पारस्कर को पेश कर रहा हूँ, ना कि CBI ऑफिशियल का रोल प्ले कर रहा हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।